हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ प्रकाश वढ़वाना। टुडे हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट इंग्लिश, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फन दे हैड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ओके, तो ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, वो फ्यूचर में सेट की गई है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist, और फ्यूचर में भी क्या होगा, अभी जो हम बुक्स स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी जो आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, ऐसी चीज़ें शायद perhaps क्या नहीं होगी, exist नहीं होगी। ओके, तो फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा जब बुक्स नहीं होगी और स्कूल्स नहीं होगी, तो क्या होगा, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे स्टडी कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। अब नीचे ये जो डायग्राम्स दिया है उसमें देखते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट पिक्चर इज अबाउट लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, सेकेंड पिक्चर इज अबाउट वर्चुअल क्लासरूम, थर्ड पिक्चर इज अबाउट रोबोटिक टीचर, एंड फोर्थ मूविंग ई टेक्स्ट। पहले पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक लड़का है, वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई कर रहा है। सेकेंड में वर्चुअल क्लासरूम मीन्स वहाँ पे एक लड़की बैठी है, स्क्रीन के ऊपर टीचर्स आएंगे और वो उसको पढ़ाएंगे। थर्ड है रोबोटिक टीचर, रोबोट आपको पढ़ाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट, मूविंग टेक्स्ट, स्क्रीन पे टेक्स्ट आ जाएंगे, उसको देख के आपको पढ़ने का। तो सपोज अभी ये जो टाइम चल रहा है कोरोना का, उसमें अभी आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन एजुकेशन, शायद यही चीज़ फ्यूचर में आ जाएगी और उस टाइम पे ये सारी बुक्स क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएंगी और स्कूल्स भी नहीं होगी, आपके घर पे बैठ के ही आपको पढ़ाई करनी होगी। ओके, सो देखते हैं क्या है ये चैप्टर में। फर्स्ट पैराग्राफ, मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157, शी रॉट टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब मार्गी जो है वो यहाँ ये स्टोरी के अंदर मेन कैरेक्टर है और उसको डायरी लिखने का बहुत शौक है, तो आज रात को भी उसने डायरी के अंदर एक डेट डाली और कौन सी डेट थी, 17 May 2157। और अभी कौन सी ईयर चल रहा है स्टूडेंट्स, 2020। तो आप सोचो कब की बात है, कितने सालों के बाद की बात की गई है और आज कौन सा दिन है, 17 में, और ईयर कौन सा, 2157। और उसने वहाँ पे ऐसा लिखा कि आज टॉमी ने एक रियल बुक फाउंड की, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। अब जैसे कि 2157 की बात है तो उस टाइम पे ये सारी बुकें तो देखने को भी नहीं मिलती होगी, और अगर आपको बुक मिलती है तो आप क्या हो जाओगे, टोटली सरप्राइज कि हो ऐसी बुक्स होती थी पहले के ज़माने में। ओके, तो दैट इज़ व्हाई हियर मार्गी गॉट सरप्राइज्ड, व्हाई, बिकॉज ही सॉरी टॉमी फाउंड अ रियल बुक एंड दैट रियल बुक मार्गी ने ये रियल बुक को देखा और वो क्या हो गई, सरप्राइज हो गई। नेक्स्ट, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर। अब मार्गी को यहाँ पे याद आ रहा है क्या, और बुक को देख के वो क्या कहती है कि ये तो बहुत ही पुरानी बुक है, क्यों, क्योंकि मार्गी के जो दादाजी थे ना, उन्होंने एक बार उसको बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, मतलब कौन, मार्गी के दादाजी जब छोटे थे तब मार्गी के दादाजी को भी
उनके दादाजी ने क्या बताया था कि भाई एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारे की सारी स्टोरीज क्या हो जाएगी, पेपर के ऊपर प्रिंटेड हो जाएगी। मतलब अभी जो टाइम चल रहा है ना उसकी बात कर रहे थे। मतलब मार्गी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे ना, तब मार्गी के दादाजी ने उनको क्या कहा था कि ऐसा टाइम आएगा जब सारे की सारी स्टोरीज पेपर के ऊपर प्रिंटेड मिलेगी, मतलब ऑनलाइन सब हो जाएगा, स्कूल बुक बुक सब बंद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, दे टर्न द पेजेस विच वर येल्लो एंड क्रिंकली। अब जो बुक टॉमी को मिली है ना, उस बुक के जब वो पेजेस टर्न कर रहे थे तब वो पेजेस कैसे थे, येल्लो एंड क्रिंकली। नाउ क्रिंकली मीन्स व्हाट, क्रिंकली मीन्स हियर विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस। कोई भी बुक और कोई भी पेज अगर बहुत देर तक पड़ा रहता है तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा येल्लोइश हो जाएगा, और उसके जो पेजेस है वो कैसे हो जाएंगे, क्रश वाले, दैट इज क्रिंकली मीन्स क्रश वाले, उसके ऊपर बहुत सारी फोल्ड्स और लाइंस दिखाई देगी आपको। ओके, एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। और सबसे फनी चीज़ क्या है, ये बुक के ऊपर जो वर्ड्स है ना, जो हम रीड करते हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है, वो वर्ड्स तो वहाँ पे ही स्टिल ही खड़े रहते हैं, ना कि मूविंग हो रहे हैं, किसके जैसे, स्क्रीन के ऊपर। अब वो लोग तो अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पे तो क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर जितने भी वर्ड्स है वो हम स्क्रॉल करते हैं ना, तो आगे नहीं ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, सेम टू सेम वही के वही वर्ड्स वैसे के वैसे खड़े हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, और स्क्रीन के ऊपर तो आप एक पेज से दूसरे पेज को क्या स्क्रॉल कर सकते हो ना, नेक्स्ट करके। और दूसरी चीज़ क्या है, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और जब आप यही बुक के अगले पेजेस पे जाते हो तो वही के वही चीज़ आपको रीड करने को मिलती है, दूसरी चीज़ तो आती ही नहीं है। लेकिन स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, एक बार आपने जो चीज़ पढ़ी अगर आप स्क्रॉल करोगे तो हर बार आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी ना, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें होती है। स्क्रीन पे तो क्या होगा, वर्ड्स जो है वो मूविंग होते रहेंगे ना, लेकिन बुक पे तो प्रिंटेड किए हुए हैं, छपे हुए हैं, और वो तो मूव हो नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये बुक के ऊपर तो वर्ड्स चिपके हुए हैं, स्टिल है, खड़े ही है, मूव नहीं हो रहे हैं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, स्क्रीन तो वहाँ पे ही है लेकिन वर्ड्स मूव हो रहे हैं, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा उनको फनी लगी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब पहली बार फर्स्ट पेज पे जो चीज़ रीड की अगर दोबारा वो रीड करे टर्न करके, तो वहाँ पे पहले जो रीड किया था वही का वही आपको रीड करने को मिलता है, ना कि दूसरा। ओके, नेक्स्ट, जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस टॉमी को ये बुक जरा से भी अच्छी नहीं लगी, वो सोच रहा है कि क्या वेस्ट है, ये कचरा है। और वो ऐसा कह रहा है कि जब भी आप ऐसी बुक पढ़ोगे ना तो आप उसको क्या कर दोगे, थ्रो अवे, फेंक दोगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। इससे अच्छा तो मेरी टेलीविजन स्क्रीन है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे बहुत सारी मिलियन से भी ज़्यादा बुक्स मिलती है, और वो भी अच्छी अच्छी, इससे तो कई ज़्यादा अच्छी बुकें मुझे टेलीविज़न स्क्रीन पे मिलेगी, और टेलीविज़न स्क्रीन को तो मैं कभी भी ना थ्रो करूँ। सेम विद माइन सेड मार्गी, सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। मार्गी ऐसा कह रही है कि हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरी जो टेलीविज़न स्क्रीन है ना उसके ऊपर भी बहुत सारी मिलियन से भी ज़्यादा बुक्स हैं, और मुझे भी मज़ा आती है वो रीड करना, मैं भी उसको कभी ना ही फेंकूँगी। और मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की है, लेकिन उसने अब तक बहुत ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी है जितनी टॉमी ने देखी है, और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है। जाहिर है टॉमी के 13 ईयर्स है, इसलिए वो मार्गी से क्या हुआ, बड़ा हुआ, इसलिए मार्गी ने उससे कम टेली बुक्स देखी हुई है। ओके, शी सेड वेयर डू यू फाइंड इट,
अब मार्गी ने टॉमी को पूछा कि तूने ये बुक फाइंड कहाँ से की? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब वो तो बुक को ही देख रहा है, बुक को ही रीड कर रहा है, तो उसने सिर्फ उंगली से पॉइंट आउट किया किसको? एटिक को। नाउ एटिक मीन्स व्हाट? एटिक मीन्स अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। एक ऐसी जगह जो रूफ के नीचे है, क्या वेस्ट रूम है, उसको स्टोर रूम की जैसे हम यूज करते हैं, उस तरफ उसने पॉइंटेड करके मार्गी को बताया कि भाई वो जगह है ना, वहाँ से मैंने फाइंड की। लेकिन वो बिजी है किस में? रीडिंग करने में ही। उसने उसकी तरफ देखा नहीं, सिर्फ पॉइंट आउट किया। नाउ मार्गी अगेन सेड, व्हाट्स इट अबाउट, किसके बारे में है ये? तो टॉमी कहता है स्कूल के बारे में ये बुक है। नाउ मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। नाउ मार्गी हियर स्कॉर्नफुल, नाउ स्कॉर्नफुल मीन्स व्हाट? स्कॉर्नफुल मीन्स contemptuous, showing you think something is worthless। कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, अगर आप उसको dislike करते हो, नापसंद करते हो, जो चीज़ आपके लिए क्या है, worthless है, उसको scornful कहते हैं। तो here scornful चीज़ मार्गी के लिए कौन सी है? School। इसलिए वो कह रही है कि कौन है जो स्कूल के बारे में लिखते हैं, क्योंकि मुझे तो स्कूल अच्छी नहीं लगती, आई हेट स्कूल। ओके, एंड मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा स्कूल को हेट करती है, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब तो वो स्कूल को पहले से भी ज़्यादा हेट करने लगी है। क्यों, क्या हो रहा है उसके साथ, चलिए देखते हैं। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियो। तो मैकेनिकल टीचर जो है, ऑनलाइन जो पढ़ाई कर रही है कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे जो टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, मैकेनिकल टीचर, वो उसको जियोग्राफी सब्जेक्ट के अंदर टेस्ट के ऊपर टेस्ट के ऊपर टेस्ट दे रहे हैं। और वो टेस्ट के अंदर वो कैसा परफॉर्म कर रही है? शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंड फॉर द काउंट इंस्पेक्टर। वो टेस्ट के अंदर वो कितना बैड परफॉर्मेंस देती जा रही है, और कब तक दे दिया उसने बैड परफॉर्मेंस? जब तक उसकी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, आइए देखते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब काउंटी इंस्पेक्टर एक छोटा सा राउंड लिटिल मैन है, रेड कलर का फेस है उसका, और उसके पास बॉक्स है बड़ा सा, और उसके अंदर बहुत सारे वायर्स और डायल्स हैं, टूल्स है। अब वो जब आया तब उसने मार्गी के सामने स्माइल की, ही स्माइल एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एप्पल दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट। अब टीचर अपार्ट मतलब अब वो कंप्यूटर को रिपेयर करना स्टार्ट कर रहा है। ओके, क्योंकि कंप्यूटर में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? क्योंकि मार्गी जो है ना, वो जियोग्राफी टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, इसलिए उसकी मम्मा ने किसको बुलाया है, काउंटी इंस्पेक्टर को, कि भी आप चेक करो, शायद मशीन्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई है ना। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। दैट वॉज नॉट सो बैड। लेकिन मार्गी तो ऐसा चाहती थी कि भाई ये चीज़ शुरू ही ना हो, ये चीज़ रिपेयर ही ना हो। लेकिन ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था ना, वो एक्सपर्ट था, वो तो हाफ एन आवर में इसको क्या कर देगा, ठीक कर देगा, और वापस उसके स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा, वो अगली मैन आ जाएगा बड़ी सी स्क्रीन पे, वापस सारे लेसन्स पढ़ने पड़ेंगे, वापस क्वेश्चन आंसर्स वो पूछेगा, उसके आंसर मुझे देने पड़ेंगे, और ये तो बहुत ही बैड चीज़ है मेरे लिए। एंड सबसे ज़्यादा कौन सी बैड चीज़ थी उसके लिए? द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। सबसे ज़्यादा उसको हेट उस बात का था जब उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर्स देने पड़ते थे। नाउ स्लॉट मीन्स हियर, स्लॉट मीन्स अ गिवन स्पेस टाइम और पोजिशन। एक ऐसा टाइम था जब उसको सारा होमवर्क देना पड़ता था और जो टेस्ट लिए गए थे ना, उसके पेपर्स उसको मिलते थे, उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा हेट फील होता था। क्यों? क्योंकि उसके कम मार्क्स आते थे। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब जब मार्गी 6 साल की थी ना, तब से ही ये चीज़ वो कर रही है, तब से ही ये पढ़ाई कर रही है,
और जो भी होमवर्क उसको लिखना था वो पंच कोड में लिखती थी। पंच कोड मीन्स कॉम्पिटिक लैंग्वेज होती है, कॉम्पिटिक लैंग्वेज में उसको होमवर्क सबमिट करने का होता है। और जब वो 6 साल की थी तब से ये चीज़ कर रही है। और जब टेस्ट वो देती थी ना, टेस्ट के बाद मैकेनिकल टीचर विद इन अ शॉर्ट टाइम, नो टाइम में टेस्ट पेपर्स को कैलकुलेट करके उसको मार्क्स दे देते थे। ओके, इसलिए ये पार्ट उसको सबसे ज़्यादा हेटफुल लग रहा है। नेक्स्ट, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गी सेड, ही सेड टू अर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिस जॉन्स। अब जब उसने कंप्यूटर ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया, तब उसने वापस मार्गी के हेड को पेटेड किया और वो काउंट इंस्पेक्टर ने उसकी मम्मा को कहा कि आपकी बेटी का कोई फॉल्ट नहीं, आपकी बेटी का जो परफॉर्मेंस लो हो गया है जियोग्राफी के अंदर, बट उसमें आपकी लड़की का कोई फॉल्ट नहीं है मिसिस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गेड अ लिटल टू क्विक, गेड मीन्स एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। अब क्या हो रहा था, क्यों उसके कम मार्क्स आ रहे थे, उसके लेवल से ज़्यादा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हो, आपको 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस दिया जाए पढ़ाई करने के लिए, तो आप पढ़ पाओगे, क्यों नहीं पढ़ पाओगे ना, क्योंकि आपके लेवल से वो थोड़ा हाई हो गया है। आपकी जो कैपेसिटी है एज के हिसाब से, उससे ज़्यादा अगर आपको दिया जाएगा तो आप उसमें बैड परफॉर्मेंस ही दोगे ना। तो यहाँ पे भी मार्गी के साथ वही चीज़ हो रही थी, लेकिन यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको एडजस्ट कर दिया। क्या किया उसने, देखते आगे, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें होती रहती है। काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने उसको स्लो कर दिया है, वो एवरेज उसका जो लेवल है ना 10 साल का लेवल के साथ उसको स्लो इट अप कर दिया, डाउन कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसकी प्रोग्रेस कैसी है, सेटिस्फैक्टरी है। एंड ही पेटेड मार्गी हेड, वापस वो अपने मार्गी के हेड को पेट कर रहा है कि तेरी गलती नहीं थी, ये तो तेरे लेवल से ज़्यादा चीज़ तू पढ़ रही थी, इसकी वजह से तेरा परफॉर्मेंस लो हो गया, तो बाकी ओवरऑल तेरा जो परफॉर्मेंस है वो तो क्वाइट क्या है, सेटिस्फैक्टरी, अच्छा है। बट मार्गी वापस क्या हो गई, डिसअपॉइंटेड हो गई। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। वापस उसने सब कुछ ठीक कर दिया, वापस उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए वो क्या हो गई, डिसअपॉइंट हो गई, अच्छा नहीं लगा उसको। वो तो ऐसा होप कर रही थी कि टीचर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला ही जाए, जैसा कि टॉमी के साथ हुआ था। टॉमी को भी एक बार हिस्ट्री सेक्टर पूरा का पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, तो नियरली 1 महीने तक टॉमी के टीचर्स को दूर रखा गया था टॉमी से, मतलब 1 महीने तक टॉमी पढ़ा नहीं था। उसको भी प्रॉब्लम हुई होगी ऐसे लेवल की, तो उस टाइम पे भी उसके टीचर्स को उससे दूर रखा गया था। तो मार्गी ऐसा सोच रहे कि मेरे साथ भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, बट उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। सो शी सेड टू टॉमी, आई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब वापस वो टॉमी को कह रहे कि भाई ये कोई भी इंसान स्कूल के बारे में क्यों लिखता होगा। नाउ टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। नाउ टॉमी उसके सामने सुपीरियर वे में देख रहा है, ऐसे घूर रहा है कि स्टूपिड तुझे पता नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना उसमें ऐसे स्कूल के बारे में लिखा है जो अभी हमारे टाइम में नहीं है। ओके, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर अगो। ये तो एक बहुत ही पुरानी टाइप की स्कूल है जो बहुत हजारों साल पहले हुआ करती थी, मीन्स 100 साल पहले। ही एडेड लॉफ्टीली, लॉफ्टीली मीन्स वर्ड इन अ सुपीरियर वे, सुपीरियर वे में उसने कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, सेंचुरी के पहले, 100 साल पहले की बात है, तब ये ऐसे स्कूलें हुआ करती थी, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, थाउजेंड्स नहीं, ओके सॉरी। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्गी बहुत बुरा लग गया,
उसने कहा अच्छा ओके कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता है कि उस टाइम पे कैसी स्कूल्स थी। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। अब टॉमी के शोल्डर के ऊपर बुक रख के वो थोड़ा टाइम उसने रीड किया और उसने बोला कोई बात नहीं जाने दो, उनके क्या थे उस टाइम पे, टीचर्स थे ना। यहाँ पिक्चर्स में आप देख सकते हो दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं मार्गी एंड टॉमी। श्योर देयर आर टीचर बट इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर इट वॉज अ मैन। उसने कहा कि हाँ उनके उस टाइम पे क्या थे, टीचर्स थे। टॉमी ने कहा बट वो रेगुलर टीचर्स नहीं थे, रेगुलर मीन्स हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, अभी जो हमारे टीचर्स हैं ना उसकी बात कर रही है, बट वो इंसान नहीं थे। मतलब ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि अभी उनको इंसान पढ़ाने नहीं आते, अभी वो कंप्यूटर के ऊपर पढ़ रहे हैं, इसलिए वो कह रहा है कि इट वॉज, वो तो उस टाइम पे कौन पढ़ाने आते थे, रेगुलर इंसान, रेगुलर टीचर खुद क्लास में पढ़ाने आता था। अभी हमारे जैसा नहीं है कि कंप्यूटर पे आया कोई भी मशीन्स और हमको पढ़ा दिया। तो मार्गी वापस कह, अ मैन हाउ कड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान टीचर्स कैसे बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। नाउ टॉमी कहता है कि उस टाइम पे गर्ल्स एंड बॉयज होते थे और उनको होमवर्क भी दिया जाता था, क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, मार्की कह रहे मुझे तो नहीं लग रहा कि एक आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है। श्योर ही इज, टॉमी कह रहे ना हो सकता है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा जो है ना वो अभी हमारे टीचर्स जो हमको पढ़ाते ना उससे कई ज़्यादा मेरे पापा को नॉलेज है, पता है उनको, इसलिए इंसान स्मार्ट तो हो ही सकता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, नाउ बेटचा मीन्स व्हाट, आई बेट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर। मार्गी कह रहे कि मैं तुझे बैट लगाती हूँ, शर्त लगा के कह सकती हूँ इतना स्मार्ट कोई नहीं हो सकता, मतलब टीचर्स इतने नॉलेजेबल नहीं हो सकते। नाउ मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब मार्गी को झगड़ा नहीं करना था उसके साथ, इसलिए उसने कहा छोड़ो उस टाइम के जो टीचर्स थे वो नॉलेजेबल थे या नहीं थे मुझे नहीं जानना है, बट कोई भी स्ट्रेंज आदमी को तो मैं मेरे घर पे मुझे पढ़ाने के लिए अलाउ ना करूँ। नाउ टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, जोर जोर से टॉमी हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है मार्गी, बट द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं रहते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, मतलब टीचर्स घर में नहीं पढ़ाते थे बच्चों को, उनके लिए एक अलग स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको हम क्या कहते हैं स्कूल, और सारे बच्चे वो स्कूल में वो बिल्डिंग में पढ़ाई करने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नेड द सेम थिंग, सारे के सारे बच्चे सेम ही चीज़ लर्न करते थे, सॉरी एंड ऑल द किड्स लर्नेड द सेम थिंग, मार्गी ने पूछा, और सारे के सारे बच्चे सेम ही चीज़ लर्न करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, टॉमी ने कहा हाँ अगर उनकी सेम एज है तो सेम चीज़ें लर्न करेंगे ना। आपको पता होगा आप अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो या सिक्स स्टैंडर्ड पे हो तो सेम एज वाले ही बच्चे आपके क्लास में होंगे ना, एक दो ईयर्स आगे पीछे होगा बट मोस्ट ऑफ तो सेम ईयर वाले ही होंगे, क्योंकि सारे के सारे एक ही स्टैंडर्ड में हैं तो एक ही चीज़ पढ़ने की होगी। ओके नेक्स्ट, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचिज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। बट मार्गी ऐसा कह रहे, मेरी मम्मा तो ऐसा कहती थी कि भाई टीचर्स को तो जितने भी बच्चे क्लास में है ना, जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनके माइंड के साथ एडजस्ट होना पड़ता था, हर एक बच्चे का लेवल क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है वो उनको पहचाननी पड़ती थी, और उनको हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता था। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, उस तरह से नहीं होता है। टॉमी ने क्या कहा, तू जो चीज़ बता रही है ना, तेरी मम्मी जो बता रही थी उस तरह से नहीं होता है। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुझे अगर ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो रीड बुक को रीड करना बंद कर दे। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है दोनों के बीच में। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, तुरंत ही मार्गी ने बोला मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे अच्छा नहीं, ये बुक अच्छी नहीं लग रही है, मैं तो सिर्फ बता रही थी कि मेरी मम्मी ऐसा कह रही है। बट टॉमी कह रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स,
वापस वो कह रही है कि मुझे तो उस टाइम पे जो फनी स्कूल थी ना उसके बारे में पढ़ना है। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब उन्होंने आधी बुक भी ख़त्म नहीं की थी उतने में तो मार्गी की मम्मा ने उनको बुला लिया, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है चलो। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ने ऊपर देख के बोला मम्मा अभी नहीं आना है मेरे को। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मिसेस जॉन्स ने कहा नहीं अब भी आपको आना पड़ेगा और शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है स्कूल का, चलो फटाफट आ जाओ। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी को कहा मैं तेरे साथ बुक रीड कर सकती हूँ स्कूल ख़त्म हो जाए उसके बाद। नाउ अभी वो लोग स्कूल जा रहे हैं, उनका स्कूल का टाइम हो गया है, कहाँ पे जाएंगे देखते हैं। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म केयरलेसली। उसने कहा कि हाँ देखते हैं करेंगे रीड स्कूल के बाद, मे बी शायद। ही वॉकड अवे विसलिंग, सीटी बजाता हुआ वो चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उसके आम के नीचे उसने बुक को टक कर दी, लगा दी। नाउ मार्गी वेंट इन द स्कूल रूम। अब मार्गी स्कूल रूम में जा रही है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बाजू वाली रूम में ही उसका क्या है स्कूल रूम है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और उसकी राह देख रहे हैं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। हर रोज़ यही टाइम पे मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ाने के लिए आ जाते थे, दो ही दिन नहीं आते थे। कौन से दो दिन? सैटरडे एंड संडे। तो आप लोग सोचो दो दिन उनको छुट्टी मिलती थी और अभी हमको सिर्फ एक ही दिन छुट्टी मिलती है, वो भी संडे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मार्गी अपने स्कूल रूम में बेडरूम के बाजू में ही जो स्कूल रूम है ना उसमें पढ़ाई कर रही है। ओके मैकेनिकल टीचर स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स। अब उसकी मम्मी का ऐसा कहना है कि अगर छोटे बच्चे टाइम टू टाइम लर्निंग करेंगे ना और वो भी रेगुलर आवर्स पे तो ही वो चीज़ अच्छे से सीख पाएंगे, वरना वो नहीं सीख पाएंगे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मार्गी ने आने से थोड़ा आनाकानी किया ना, मना कर रही थी नहीं मम्मा अभी नहीं, इसके लिए उसकी मम्मा कह रही है कि छोटे बच्चों को तो टाइम टू टाइम रेगुलर आवर्स पे स्टडी करनी चाहिए। नाउ द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब स्क्रीन चालू हो गई और क्या आवाज़ आई, आज का अरिथमेटिक का लेसन है एडिशन का प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर, प्लीज़ लास्ट डे का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डाला जाए। ओके ऐसा कंप्यूटर स्क्रीन में से आवाज़ आई। मार्गी डिड सो विद अ शाय, शाय मतलब ऐसा करके मार्गी ने स्टार्ट किया। नाउ सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो किसके बारे में सोच रही है, जब उसके दादाजी छोटे थे तब उनके दादाजी ने उनको जो चीज़ बताई थी ना, मतलब अभी आप लोग जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो ना ऐसे स्कूल के बारे में अब वो सोच रही है पढ़ाई करते करते। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, क्या होता था जितने भी बच्चे थे नेबरहुड के अंदर आस पड़ोस में वो सारे के सारे आते थे स्कूल के अंदर, लाफिंग करते थे, हंसते थे, शाउटिंग करते थे, चिल्लाते थे, कहाँ पे स्कूल यार्ड के अंदर और स्कूल रूम के अंदर एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टूगेदर एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल ख़त्म होने के बाद एक साथ ही वो लोग क्या करते थे घर पे जाते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग, सेम चीज़ वो एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते थे स्टैंडर्ड वाइज, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और सारे के सारे बच्चे एक दूसरे को होमवर्क में हेल्प भी करते थे और एक दूसरे के साथ बातें भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स आर पीपल डॉट डॉट डॉट, और जो टीचर्स थे वो कौन थे, लोग थे, लेकिन अभी तो क्या है मैकेनिकल टीचर्स मशीन्स बन गए टीचर्स हमारे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस वन एंड टू एंड वन एंड फोर, सॉरी वन अपॉन फोर। अब मैकेनिकल टीचर फ्लैश हो गया स्क्रीन पे और उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, चलो फ्रैक्शंस ऐड करो वन अपॉन टू वन अपॉन फोर। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। नाउ मार्गी सोच रही है कि उस टाइम पे जो बच्चे थे वो पढ़ाई को
उन दिनों में कितना प्यार करते थे, कितना मज़े से वो लोग पढ़ रहे थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो ये भी चीज़ सोच रही है कि उस टाइम पे उनको कितना फन मज़ा आता होगा, कितना मज़े से रिसेस टाइम पे खेलना कूदना। ओके, तो आप लोगों को भी अभी मैं आपको बता दूँ, अभी भी आप लोग स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो ना, क्योंकि अभी 4-5 महीने से लॉकडाउन था, स्कूल स्टार्ट हो गई है, अभी भी स्कूल्स बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है, तो आप लोग स्कूल की बहुत सारी चीज़ें मिस करते होंगे। प्रेयर में, स्कूल जब स्टार्ट होता प्रेयर में जाना, प्रेयर में आंखें बंद करना, आधे बच्चे आंखें खुली रखते थे, फिर रिसेस में फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाना खाना, क्लास चालू क्लास में कमेंट पास करना, मस्ती करना अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल ख़त्म हो जाए उसके बाद साथ में घर पे जाना, बस में बैठ के बस में भी मस्ती करना, टीचर्स के उड़ाना, आपके फ्रेंड्स के साथ भी मारा मारी करना, उनको भी चिढ़ाना, फिर टीचर्स के पास जाना कि टीचर्स वो मुझे चिढ़ा रहा है, टीचर ने इसने मेरे ये चीज़ ले ली वो चीज़ ले ली। तो ये चीज़ जो अभी आप लोग सोच रहे हो तो आप कितना मिस कर रहे हो। तो ऐसा ही मार्गी यहाँ पे सोच रही है कि भाई उस टाइम पे ये सारे बच्चे कितना मज़ा कर रहे होंगे, कितना मज़ा आता होगा उनको। ओके, तो ये स्टोरी किसने लिखी है? इज़ाक एज़िमोव ने। और अभी के टाइम की ये बहुत रियल स्टोरी है, क्योंकि अभी भी आप लोग किसको मिस कर रहे हो? स्कूल को मिस कर रहे हो। ओके, तो नाउ हियर वी हैव कम्प्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करो, ताकि मैं जो 9th चैनल के नए वीडियोस बनाने वाला हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।